ये बेल्ट फ्यूजिंग कर रखा है। अब इसके अंदर अपन अस्तर लगाएंगे और बेल्ट पॉकेट लगाएंगे। ये अस्तर की मैंने कटिंग कर दी है, ये इसके बराबर है, ये देखिए। और यहाँ से इसकी लंबाई से कुछ ज़्यादा है, दोस्तों ये बेल्ट पॉकेट है। अब इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे। यहाँ से सिलाई करने के लिए अपने को यहाँ ऊपर से इतना आपको छोड़ना है, ऊपर से यहाँ से, और यहाँ से सिलाई करनी है। दोस्तों इसको सीधा कर लेना है। दोस्तों ये जो सिले का निशान है, इसके यहाँ से आप कम से कम 2 इंच पे निशान लगाइए और फिर आप इस पॉकेट का निशान लगाइए। ये चलिए यहाँ से ये पॉकेट लगी। अब ये जो अस्तर है, ये उल्टा है, ये उल्टे का निशान लगा रहा है, इसको आप ऐसे रखिए। और ये ज़्यादा है, आप इधर छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो निशान लगाया, ऐसा वैसा इस निशान आप अस्तर पे भी लगा दीजिए। अस्तर पे निशान लगाने के बाद आप ये यहाँ से इसको ऐसे उठाइए, ये 2 मुंह है, ऐसे पकड़िए आप। और ये जो निशान लगाया अस्तर के ऊपर, यहाँ आप इसको इस तरह से पकड़ लीजिए। और यहाँ अब आपको सिलाई करनी है। ये पगी बराबर सिलाई कर ली अपन। अब इस पॉकेट को आप इस तरह से घुमा दीजिए और यहाँ पर किनार की सिलाई लग रही है, पॉकेट की तरफ किनार की सिलाई। निशान लगाए, ये जो निशान लगाए अपन, इस निशान के ऊपर आप इसको पॉकेट को और इस बेल्ट वाले कपड़े को यहाँ से पकड़ लीजिए और इसको इस तरह से रखिए। और यहाँ पर आप सिलाई लगा लीजिए। ये सिलाई भी आप पगी बराबर लगाइए और इसको वापस घुमा दीजिए। और इस पॉकेट की तरफ आप किनार की सिलाई करेंगे। अब इसको आप वापस ऐसे ले लीजिए। ऐसे लेने के बाद आप ये बेल्ट की तरफ से यहाँ पर आप इस कैनवास से इधर पगी बराबर इधर की तरफ आप सिलाई लगाइए। और यहाँ पॉकेट गए हैं आप पक्का कर दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आप छोड़ दीजिए और यहाँ पर वापस आप सिलाई लगाइए। यहाँ भी पक्का कर दीजिए आप। और ये बेल्ट जो अस्तर है, इस अस्तर को हल्का हल्का आप नमी भी देते रहिए। दोस्तों अब इसको ऐसे पलटिए और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है, इसके तरफ आप यहाँ पर किनार की सिलाई लगाइए। अपन इधर से शुरू करेंगे।
यहाँ से किनार की सिलाई लगाइए, यहाँ से किनार की सिलाई लगाते हुए आएंगे और आप इधर जाएंगे, यहाँ पर इस पॉकेट की तरफ किनार की सिलाई लगाते हुए ऐसे आएंगे और यहाँ से फिर किनार की सिलाई लगाते हुए ऐसे आएंगे। दोस्तों ये हुक वाला बेल्ट है और ये इसका अस्तर है। यहाँ से देखिए आप ये जो टेप वाला हिस्सा है इसकी तरफ आप ऐसे रखिए इसको और यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए थोड़ा, ये इस तरह से रखिए आप इसको, इतना दूर रखिए और ये इधर सिलाई में आ जाए ऐसा भी रखिए आप। तो यहाँ पर अब आपको पहले यहाँ सिलाई लगानी है, इस कैनवास के पास यहाँ सिलाई लगानी है और ये टेप वाला हिस्सा इतना दूर। ये सिलाई लगाने के बाद आप इसको ऐसे पलट दीजिए, ऐसे पलटने के बाद आप इसको अस्तर को ऐसे लाइए इस तरह से और यहाँ पर आप अस्तर की तरफ किनार की सिलाई लगाइए। दोस्तों ये अस्तर जोड़ दिया और ये किनार की सिलाई लगा दिया बाकी, ठीक है। अब आप इसको इस तरह से पलटिए, जहाँ ये जो पेन का निशान है जो आप लोगों ने पहले इसको मोड़ रखा है इस तरह से, तो इसको आप अब उल्टा मोड़िए, यहाँ से इस तरह से मोड़ दीजिए उल्टा और ऐसे रखिए आप इसको, ये इस तरह से मोड़िए यहाँ और ऐसे रखिए। यहाँ से आपको पक्की बराबर सिलाई लगानी है इस तरह से, हल्का सा आप इस अस्तर को यहाँ से काट दीजिए और ये जो जरा सा मैंने पाव इंच इधर रखा है इसको जरा सा इस तरह से रख के, या नमी दे इस अस्तर में आपको नमी देनी है, ठीक है। और यहाँ से आप पगी बराबर सिलाई करते हुए शुरू हो। तो दोस्तों पहले सेल्फ की तरफ अपन सिलाई करेंगे, यहाँ इधर की तरफ से ये दोनों किनारे बराबर मिला देंगे अपन, यहाँ से ये दोनों किनारे बराबर मिलाते हुए सेल की तरह से यहाँ सिलाई करेंगे और यहाँ तक करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये इस तरह से लगाएं, अब यहां से इधर की तरफ से सिलाई करेंगे, यहां से बराबर रखेंगे अस्तर और ये बेल्ट दोनों बराबर। और ये देखिए ये इसमें बढ़ रहा है थोड़ा, ये दिख रहा है आपको, तो ये थोड़ा बड़ा हुआ है, इसको नमी के रूप में अपन बराबर कर लेंगे। हल्की अस्तर की तरफ नमी देते रहेंगे, जो अपनों ने अस्तर बड़ा पगी बराबर बड़ा कटिंग करी है उसको नमी दे और इस तरह से अपन यहाँ सिलाई। अब देखिए सिलाई हो गई, ये हल्की नमी भी दिख रही है आपको। अब यहाँ से अपन वापिस इसको ऐसा पलटेंगे और यहाँ किनार की सिलाई लगा देंगे अस्तर की तरफ, यहाँ से इस जगह से।
ये अपनों ने सिलाई कर दी है, इधर पगी बरोबर सिलाई भी कर दी है। अब यहाँ से अपन इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे कट्ठा पकड़ के और इस तरह से अपन ऐसे इस तरह से मोड़ देंगे। और ये जो है सुइया, ये आपके पास जो भी हो इस तरह से आप इसको सीधा कर दीजिए, ये बिल्कुल कोना निकाल दीजिए आप। ये देखिए दोस्तों, ये अस्तर लग चुका है और इसमें भी ये बेल्ट लग चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।